वंडरफुल। सो फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो शेयर किया था जिसमें जिसका टाइटल था एक वीडियो आपके नाम। सो उसमें क्या करना था कि मेरे जो पहले पहले सब्सक्राइबर्स हैं आप सबके लिए, उनमें से मैं आपके नाम पर एक वीडियो बनाऊंगी और आपका जो नाम है वो मेरे चैनल पे फीचर भी होगा। सो आज मेरा उस सीरीज का पहला वीडियो है और थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए मुझे, इतनी सारी रिक्वेस्ट आई कि दिल खुश कर दिया। और इतनी सारी रिक्वेस्ट आई है गाइज, और मैं अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो मैं फुलफिल कर सकूं। सो आज पहला वीडियो है, तो आज मैं लेकर आई हूँ वीडियो, और ये जो वीडियो है, जो रिक्वेस्ट है, वो है सुहानी चतुर्वेदी की। ये बहुत ही रेगुलर सब्सक्राइबर है मेरी और बहुत ही क्यूट सब्सक्राइबर है। सो इनकी क्या रिक्वेस्ट है कि शी वॉन्ट्स अ सोप, ऐसा साबुन जिससे जो आपकी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या दाग धब्बे की प्रॉब्लम है वो अच्छे से दूर हो जाए। सो ये सोप जो है वो मैंने बनाने की कोशिश करी है और उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। ये पिगमेंटेशन है या दाग धब्बे हैं, दाग धब्बे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा दाग धब्बे हमें पिंपल्स की वजह से होते हैं या कोई एलर्जी हो जाती है फेस पे उसकी वजह से होती है। और पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम है वो हमारे को जो यूवी रेज है वो बहुत डैमेज करता है, इसलिए स्किन में अनइवन टोन हो जाता है, मतलब कहीं पे स्किन ठीक लग रही है, कहीं डार्क टोन है, कहीं रेड स्पॉट्स आ रहे हैं। सो ये दीज आर ऑल पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम, और उन सब का बढ़िया वाला सोल्यूशन आज मैं लेकर आई हूँ। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने सोप बनाने की रिक्वेस्ट करी, क्योंकि क्या है कि सोप जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो हम एवरी डे यूज़ करते हैं, दिस इज़ अ मोस्ट ईजी स्किन केयर जो हर कोई करता है टू टेक बाथ, और उसमें आपका स्किन केयर भी हो जाए, इससे बढ़िया तो कोई चीज़ ही नहीं हो सकती। सो ये कम भी पैक लेकर मैं अपने इस चैनल में आज लेकर आई हूँ और बहुत ही अच्छा मैंने सोप बनाया है। सो गाइज, इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम देन प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये जो वीडियो है मैं अपने प्राय प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए ही बनाती हूँ। सो ट्रैक रखो मेरे चैनल का यार, बड़े बढ़िया बढ़िया वीडियोस आते हैं। चलिए देखते हैं ये सोप मैंने बनाया कैसे। ये देखते हैं ये जो सोप है ये बढ़िया वाला, जो जिससे पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स ठीक हो, बनाते कैसे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये पियर्स का सोप लिया है, ये ग्लिसरीन सोप होता है और इसके अंदर गाइस 90% जो है ये प्योर होता है, इसलिए मैं ये वाला सोप ले रही हूँ एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर स्किन। तो इसको मैं ग्रेट कर रही हूँ और ये बहुत ही आसानी से ग्रेट हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी आसानी से ग्रेट हो जाएगा, लेकिन बहुत ही आसानी से ग्रेट हो गया, रियली वेरी इजी टू डू इट। और इसको ग्रेट कर लिया हमने। अब आते हैं हम इसके सेकंड स्टेप पे। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या क्रिएट किया है, एक डबल बॉयलर बनाया है। आप देख सकते हैं नीचे पानी उबल रहा है, उसके ऊपर मैंने एक पैन रख दिया है और उसमें ये साबुन जो है इसको मैंने डाल दिया है, क्योंकि इसको क्या है मुझे पिघलाना है, मुझे मेल्ट करना है और इसके अंदर और भी इंग्रेडिएंट डाल के मैं अपना साबुन बनाऊंगी। सो ये डबल बॉयलर की मदद से आप देख सकते हैं ये फटाफट ये मेल्ट हो जाएगा। ऑलराइट, ये अच्छे से मेल्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। ये मैंने काफी कम क्वांटिटी में लिया है, आप इसे ज्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। सो इट्स वेरी इजी। तो इसको मेल्ट करने के बाद अब इसके अंदर हम और इंग्रेडिएंट डालेंगे। पहला है मुल्तानी मिट्टी। ये मुल्तानी मिट्टी बहुत ही रीजनेबल मिलती है, अगर ये तो मुल्तानी मिट्टी का पाउडर मैं डाल रही हूँ करीब 2 चम्मच, और ये जो है हमारे स्किन को बहुत ही अच्छे से, इसमें जो डार्क स्पॉट्स हैं या पिंपल्स की प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छी होता है ये। और मुल्तानी मिट्टी अगर आप साबुत लें तो वो लगभग 10 रुपये में भी मिल जाती है, वो इतनी सस्ती होती है, और आप उसको पीस भी सकते हैं, नहीं तो वो हाथ से भी टूट जाती है, वो बहुत सॉफ्ट होती है, वेरी वेरी नाइस फॉर आवर स्किन। और दूसरा मेरा इंग्रेडिएंट है मेरी ये कॉफ़ी, और ये ब्रू की कॉफ़ी आती है, 1 या 2 रुपये का ये पाउच आता है, और कॉफ़ी भी ना बहुत अच्छी होती है हमारे स्किन के लिए, टैनिंग अगर हमारे फेस पर है उसको दूर करती है, पिगमेंटेशन के प्रॉब्लम को कॉफ़ी बहुत अच्छे से रिमूव करती है। अब उसके बाद हम डालते हैं ये बादाम का तेल है, ये प्योर आलमंड ऑयल है, ये मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। अगर आपकी बहुत ही ऑयली स्किन है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी स्किन टाइप के सभी इसमें डाल सकते हैं। और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में हो जाए, और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, मिक्सिंग इट वेल। और आप देख सकते हैं मैंने अभी पैन के ऊपर ही रखे इसको मिक्स कर रही हूँ, अदरवाइज हमारा जो सोप है वो जम जाएगा और मिक्सिंग प्रोसेस नहीं हो पाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट हम बना लेंगे, और ये आप देख सकते हैं मेरा एक प्लास्टिक का ये ग्लास आता है, ये बहुत डिस्पोजेबल ग्लास है,
इसको मैंने लिया है और ये जो हमारा मिक्सर है ये अच्छे से मिक्स हो गया है। ये पेस्ट जो है अभी भी आप देख सकते हैं हल्के से झाग बन रहे हैं और इसको मैं इसमें डाल दूंगी बड़े अच्छे से इजीली। और ये हमारा जो सोप है इसको अब आप क्या करेंगे, ये जो सोप है हमारा ये इसको हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे और फ्रीजर में रखना है नॉट रेफ्रिजरेटर। और इसको लगभग एक घंटे तक हम रखेंगे और उसके बाद देखते हैं हमारा साबुन कैसे रेडी हुआ है। अब इसको रखे हुए मुझे एक घंटा हो गया है। अब ये जो ग्लास है इसको हम काट देंगे और ये बहुत आसान होता है मैं ग्लास में बनाना। आप चाहें तो कोई भी कटोरी ले सकते हैं, आइस ट्रे आती है घर में जिसमें बर्फ जमाते हैं आप उसमें भी ले सकते हैं। तो छोटे छोटे साबुन बनेंगे। सो ये जो हमारा साबुन है ये बिल्कुल रेडी है गाइस, बहुत अच्छा है स्किन के लिए, बिल्कुल नेचुरल, बहुत अच्छे तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। है ना मजेदार बढ़िया वाला सोप। और गाइस ये बहुत ही अच्छे से आपके दाग धब्बों को दूर कर देगा क्योंकि मुल्तानी मिट्टी है या कॉफी है इनका तो मतलब कमाल ही ये है कि ये जो दाग धब्बे हैं उनको दूर करने में बहुत ही बढ़िया ये रहता है। और कितना इजी है, मतलब हमें सिर्फ नहाना है और हमारा स्किन केयर का एक अच्छा खासा पार्ट हो गया है। सो दैट इज अ वेरी नाइस थिंग। और प्लीज घर में जरूर बनाएं, नीचे कमेंट जरूर करें कि आपको ये बनाकर कैसा लगा, कितनी इम्प्रूवमेंट आई, बिकॉज आई विल बी रियली वेरी हैप्पी जब आप मेरे पास वापस आते हैं मेरे चैनल पे और गाइस कमेंट करें कि आपको ऐसा अच्छा लगा है। सो दिल खुश हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो तो जरूर आप मुझे बताएं। मेरे चैनल की सबसे खास बात है कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ और इसीलिए मैंने ये वीडियो की जो सीरीज है वो शुरू करी है। और ऐसी सीरीज आई डोंट नो किसी चैनल पे कभी आई है आज तक, नहीं मैंने देखा अभी तक। तो आपने देखा हो तो बहुत अच्छी बात है, बट मेरे लिए नई चीज है। सो आई स्टार्टेड दिस विद दिस सीरीज कि मैं अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ अपना प्यार शेयर करूं और इसलिए मैंने ये सीरीज शुरू करी थी। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी और मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आने वाले वीडियोस भी मैं अपने सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट पर ही बनाऊं। सो जरूर रिक्वेस्ट करें, जरूर कमेंट जरूर करें, वॉट एवर योर रिक्वेस्ट है। तब तक गाइस मुस्कुराते रहें, खुश रहें, हमसे जुड़े रहें। टेक केयर, बाय बाय।